हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज बनाएंगे बैंगन का भरता, जिसे हम बिल्कुल नए तरीके से बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनता है इस तरह बना के। तो यहाँ पर मैंने बैंगन का भरता बनाने के लिए एक प्याज लिया है, एक बैंगन का भरता वाला बैंगन लिया है, दो टमाटर लिए हैं और 5-6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो सबसे पहले हम बैंगन को काट लेंगे। बैंगन को काट के हम चेक करेंगे, खराब तो नहीं है अंदर से, तो ये बिल्कुल अच्छा है, साफ है। और मैंने यहाँ पर हरी मिर्च काट के रखी हुई है, प्याज काटा हुआ है और हरा धनिया भी काट के रख दिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में तेल डालना है। तेल इसमें थोड़ा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि हम बैंगन को इसमें फ्राई करेंगे। वैसे तो बैंगन का भरता बैंगन को भून के बनाया जाता है, तो मैं नए तरीके से बना रही हूँ। तो इस तरह से बना के भी बहुत ही टेस्टी बनता है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो मैंने दोनों बैंगनों को इसमें डाल दिया है और मैंने साथ में टमाटर को भी डाल दिया है। अब बैंगन को हम पलट देंगे, दोनों तरफ अच्छे से हम फ्राई होने देंगे। टमाटर भी इसमें फ्राई हो जाएंगे तो उनको भी पलट देंगे। मैंने बैंगन और टमाटर को पलट दिया है, अब इस तरफ भी पकने देंगे। तो उसके बाद हम इसमें लहसुन भी डाल देंगे, लहसुन लास्ट में डालना है, थोड़ी देर के फ्राई करेंगे। जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगे उसके बाद हम इनको निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीज़ें फ्राई हो गई हैं, पक गए हैं। अब इनको मैं एक प्लेट में निकालूंगी, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इनका छिलका उतार देंगे। सबसे पहले मैं टमाटर का छिलका निकालूंगी, बहुत ही आसान तरीके से निकल आता है इसका छिलका फ्राई होने के बाद। उसके बाद मैं बैंगन का भी छिलका उतारूंगी। इस तरह से आप भी बैंगन का भरता बनाइएगा, आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा और बहुत टेस्टी होता है, बनाना भी ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप लोगों ने बैंगन को भून के भरता तो बहुत बार बनाया होगा, लेकिन इस तरह से फ्राई करके नहीं बनाया होगा, तो मैं आज आपको इसी तरीके से बता रही हूँ। तो मैंने बैंगन का भी छिलका निकाल दिया है, अब इनको मैं चाकू से थोड़ा छोटा कर लूँगी। अभी भी थोड़े से गर्म है ये, तो इसे अच्छे से ठंडे होने के बाद ही आप इसको बारीक करिएगा। इसे मुझे थोड़ा और बारीक बनाना है तो मैं चॉपर का यूज़ करूँगी। तो इसमें सारी चीज़ों को डाल के इसको हम चॉप कर लेंगे। आप चाहो तो ठंडा होने के बाद हाथ से आप मैश कर सकते हैं, थोड़ा गर्म था इसलिए मैंने इसमें चॉप किया। तो ये अच्छे से बारीक हो गया है। अब मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, उसमें मैं सबसे पहले चॉप किया हुआ बैंगन, टमाटर और लहसुन को डाल दूंगी। उसके बाद इसमें डालना है बारीक कटी हुई हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज, ये एक प्याज है, और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे। अब इसमें नमक डालना है स्वाद के अनुसार। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच सरसों का तेल। इसमें सरसों का तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद सारी चीज़ों को मिला देंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। इस भरते को ना फ्राई करने की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा देर पकाने की, बस पहले ही सारी चीज़ें कर लेनी है, फ्राई करना है और ऐसे मैश कर लेना है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।